आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारे पास से क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या पूछा गया, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करके करने पर उसके दूसरे सिरे से भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार की पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अब देखो इसमें एक छड़ दी गई है, ठीक है, ये एक छड़ है। अब एक छड़ को यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। जब इसको यहाँ से हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा, धीरे धीरे इस दिशा में होता चला जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर यानी इस वाले हिस्से पे ये छड़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, जो ऊर्जा का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है ना, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जिस तरफ ऊर्जा कम है उस तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के संरचना को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहा जाता है। कुचालक वो होता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हम कह सकते हैं लकड़ी, ठीक है ना। लकड़ी को यदि हम गर्म करें तो दूसरी तरफ गर्म नहीं होगी, ठीक है। आगे दिया गया अर्धचालक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा और हीटर भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।